भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1944 की धारा 30 के अनुसार प्रत्येक भारतीय बैंक का समुचित योग्यता प्राप्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण होना चाहिए। एक बैंक के अंकेक्षक को निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए। भारत में समामिलित होने वाली सभी संस्थाएं कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा नियंत्रित होती हैं व इनका अंकेक्षण भी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही होता है, परंतु कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनके लिए अलग से अधिनियम पारित किए गए हैं। बैंकिंग कंपनियों के लिए भी इस प्रकार अलग से अधिनियम पारित किया हुआ है। बैंकिंग कंपनियों का संचालन एवं नियंत्रण बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 द्वारा होता है। बैंकिंग कंपनियों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धाराएं भी लागू होती हैं, बशर्ते ये दोनों एक दूसरे के असंगत न हो। बैंकिंग कंपनी अधिनियम का उद्देश्य भारत में बैंकिंग व्यवसाय का नियमन एवं नियंत्रण करना है। बैंकिंग शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। बैंकिंग से तात्पर्य है जनता द्वारा जमा कराए जाने वाले धन को ऋण देने या विनियोग करने के उद्देश्य से स्वीकार करना, जो कि मांग पर या अन्य किसी समय चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी भी रूप में आहरण योग्य होता है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर्स को अपना ऑडिट कराना अनिवार्य है और ऑडिट रिपोर्ट में अब किन किन बातों को सम्मिलित करना आवश्यक है वो ये है कि उसे बैंक से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट है या नहीं, ये रिपोर्ट में लिखेगा। बैंक द्वारा किया गया व्यवसाय उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर तो नहीं है। अंकेक्षण की दृष्टि से शाखाओं से प्राप्त सूचना यथेष्ट है या नहीं, क्या ये सूचनाएँ सही है या नहीं है, क्योंकि एक अंकेक्षक सही सूचना प्रदान करता है, सत्यता की जांच करता है। क्या लाभ हानि खाता संबंधित समय के लाभ हानि का उचित विवरण प्रस्तुत करता है, ये सभी बातें कौन देखेगा, अंकेक्षक देखेगा जो कि एक बैंक का अंकेक्षण कर रहा है। अन्य कोई विशेष तथ्य जिसे अंकेक्षक अधिकारियों की जानकारी में लाना उचित समझे। इसी तरह सूचना प्राप्ति, अंकेक्षक को बैंकिंग कंपनी अधिनियम का अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात बैंक से निम्नलिखित तथ्यों की जांच करनी चाहिए। किन किन तथ्यों की होनी चाहिए? पहला, कैश रिजर्व, जो नकद राशि है उससे संबंधित जानकारी, उसकी जांच एक अंकेक्षक को करनी होती है। अंकेक्षक को सर्वप्रथम बैंक की रोकड़ बाकी तथा रोकड़ियों के पास जमा रकम का मिलान करना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं। सबसे पहले कैश चेक किया जाएगा कि जो कैश बुक है और जो रकम बताई जा रही है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। इसके पश्चात अंकेक्षक को देख लेना चाहिए कि अंकेक्षण के समय बैंक के निक्षेपों का वांछित संचय रिजर्व बैंक के पास जमा कराया हुआ है अथवा नहीं। हमें यह मालूम है कि बैंकों को 1% तक राशि जो है वो रिजर्व बैंक के पास जमा करवानी होती है, तो वह अंकेक्षक ये निर्धारित करेगा। अंकेक्षक ये देखेगा कि बैंक ने इस जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई है या नहीं, तो सबसे पहले वो कैश रिजर्व का जांच करेगा। तरल संपत्ति, लिक्विड असेट्स, अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि बैंक अपने पास यथेष्ट तरल संपत्ति रखता है या नहीं, उसके बैंक के पास में जो सफिशियंट लिक्विड असेट है या नहीं। बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने कुल दायित्वों का कम से कम 25% तरल रूप में रखना चाहिए। 25% लिक्विड असेट के रूप में बैंक को अपने पास में रखना है। रिजर्व बैंक इस प्रतिशत को समय समय पर घटा बढ़ा सकता है, अतः अंकेक्षण के समय कितने प्रतिशत संपत्ति तरल होना आवश्यक है यह देखना चाहिए। अंकेक्षक को बैंक की तरल संपत्ति के अतिरिक्त याचना राशि
ऑल मनी तथा सरकारी प्रतिभूतियों की भी जांच करनी चाहिए। भारत में याचना राशि केवल बैंकों को दी जाती है, अतः किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यापारी को इस मदद के अंतर्गत ऋण दिया गया है तो उसने क्या जमानत दी है, उस जमानत की तरलता तथा मूल्य का आकलन कर देखना चाहिए कि वह यथोचित है या नहीं। एक ऑडिटर जो है, एक अंकेक्षक मान्यता प्राप्त अंकेक्षक को नियुक्त किया जाएगा बैंक की ऑडिट के लिए, बैंक के अंकेक्षण के लिए, और वह अंकेक्षक इन सभी बातों का ध्यान रखेगा कि क्या बैंक ने 25% लिक्विड असेट उसने अपने पास रख रखी है या नहीं। एक अमाउंट जो पर्टिकुलर रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है बैंक को, क्या वो अमाउंट उसने जमा कराई है या नहीं। अंकेक्षक को बैंक की तरल संपत्ति की अलावा भी जो जिन्होंने लोन लिया है उन्होंने भी अपने जमानत के रूप में कुछ तरल रखा है या नहीं जमानत के रूप में, ये सभी चीज़ें एक ऑडिटर को देखना अनिवार्य है। और ऑडिटर इन सभी बातों का ही अध्ययन करता है, जांच परख करता है। बैंक के विनियोग इन्वेस्टमेंट्स, बैंकर द्वारा जिन अंशों तथा ऋण पत्रों में पूंजी लगाई हुई है, अंकेक्षक द्वारा उन प्रलेखों तथा विलेखों की भौतिक जांच कर लेनी चाहिए कि वह बैंक के वास्तविक अधिकार में है या नहीं। तदुपरांत अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उन विनियोगों के लिखित तथा बाजार मूल्य में क्या भिन्नता है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक ऑडिटर जांच रखेगा कि क्या बैंकर द्वारा जिन शेयर्स और डिबेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनके लेख को देखा जाए, उनके फिजिकली उनको चेक किया जाए कि क्या ये केवल बनावटी ही तो नहीं लिख रखे हैं, क्या वाकई उनके शेयर्स और डिबेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं। तो एक अंकेक्षक, एक ऑडिटर बैंक की इन सभी बातों की जाँच भी करेगा। लेखापालन के साधारण सिद्धांतों के अनुसार बैंकर द्वारा अपनी पुस्तकों में विनियोगों का वह मूल्य बाजार मूल्य लिखित मूल्य में से दिखलाना चाहिए जो कम हो। अतः अंकेक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कुछ विनियोगों के बाजार मूल्य कम हो गए हैं तो बैंक के खातों में उनके मूल्य ह्रास की व्यवस्था की गई है या नहीं। बैंक को इन्वेस्टमेंट में जो भी लोअर प्राइस है, मार्केट वैल्यू और जो रिटर्न वैल्यू है, उसमें दोनों में से जो लोअर प्राइस है वो दिखाई गई है या नहीं। यदि वो दिखाई है तो, और जो मूल्यों में यदि कमी आई है तो क्या डेप्रिसिएशन के रूप में उन्होंने कोई एडजस्टमेंट किया है या नहीं, ये वह सभी बातें एक ऑडिटर को देखनी होगी और वो उसके सत्यता की जाँच करेगा। उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बैंकर को अपने विनियोगों तथा लिखित मूल्य दोनों ही स्थिति में विवरण में प्रदर्शित में करे ताकि अंशधारियों को किसी प्रकार का धोखा न हो सके। ऑडिटर एक सत्य रिपोर्ट, सही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ऑडिटर इन सभी बातों को जांचेगा, परखेगा, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि जो भी लेखे बैंक ने रखे हैं वह सही है या नहीं, जो भी तथ्य बैंक द्वारा दिखाए जा रहे हैं वे सभी सत्य है या नहीं। बिल, अंकेक्षक को इस तथ्य की जांच कर लेनी चाहिए कि बैंकर के पास प्राप्य बिल है अथवा नहीं, जिनकी बैंक ने कटौती की है वह श्रेष्ठ बिल है या नहीं, उनकी कटौती उचित दरों पर की गई है और उनकी छूट के लिए व्यवस्था कर ली गई है। बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स के लिए भी ऑडिटर चेक करेगा कि जो बिल्स रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हैं क्या उनको जो डिस्काउंट किया गया है, उनको जो रिबेट दी गई है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल्स को बैंकों ने उनको जो उनमें बिल्स जो हैं वो श्रेष्ठ है या नहीं, क्या सिर्फ एक फर्जी ही उन लोगों ने दिखा रखे हैं, ये सब चीज़ें भी ऑडिटर को चेक करनी होंगी। लोन, अंकेक्षक को ऋणों के संबंध में निम्न तथ्यों का निश्चय कर लेना चाहिए। अब एक ऑडिटर निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देगा, ऋणों का अधिक भाग दीर्घकालीन तो नहीं है,
क्या कोई लोन दिया गया है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए तो नहीं है, सारे ही लोन ऐसे तो नहीं है जो लॉन्ग टर्म है। ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी लिखेगा और ऑडिटर इन सभी बातों का ध्यान भी रखेगा।